नमस्कार फ्रेंड्स, एक वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही सुंदर सा सवाल है। टू पॉइंट सोर्सेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर आर रेडिएटिंग इन फेज विद लैम्डा इज इक्वल टू 0.50 मीटर। एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2 और ये दोनों एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों से 0.50 मीटर वेवलेंथ का रेडिएशन बाहर निकलता है। अ डिटेक्टर मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड टू सोर्सेज इन प्लेन कंटेनिंग देम। How many maximas are detected? इसमें आपको पूछा गया कि कितने मैक्सिमा डिटेक्ट होंगे। ओके, ये एक डिटेक्टर है। दिस इज अ डिटेक्टर जो उसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और आपसे पूछ रहा है कि इस डिटेक्टर पे कितने मैक्सिमा हमको डिटेक्ट होंगे। तो देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है। मैक्सिमा का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, एंड जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है दो वेव्स के बीच में, उसकी कंडीशंस भी हमको पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच में 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा n लैम्डा होता है ना। यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर ये पाथ डिफरेंस होता है तो वेव्स आपस में सेम फेज में मिलती हैं और हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि पाथ डिफरेंस की ये कंडीशन n लैम्डा कब कब मिल सकती है ना, सर्किल पे कितनी बार मिल सकती है। अब इसे सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, कोई भी एक जनरलाइज पॉइंट लिया P स्क्रीन पर, एंड मैं देखा कि यार S1 से एक रे यहाँ पर पहुँच रही है और एक रे S2 से पहुँच रही है। इसका जो पाथ है S1P और इसका जो पाथ है S2P, इस पर सब कुछ डिपेंड करता। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S1P माइनस S2P। अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो गया ना तो मैक्सिमा मिल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मतलब ऐसा मान के चलना अगर आपको नहीं भी दिया हुआ है तो एक जनरल अजम्पशन होता है वेव ऑप्टिक्स में कि ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है और ये जो डिटेक्टर है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी रेडियस का लिया, इसका जो पाथ है उसकी रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों को ऐसा मान लेना है कि R is very 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 greater than separation between slit S1 and S2. इनके बीच में जो भी सेपरेशन है उससे बहुत ज़्यादा है। तो S1 से एक रे यहाँ पर पहुँचेगी, एक S2 से रे यहाँ पर पहुँचेगी, एंड दिस R is very very greater than D। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा और अगर ये पॉइंट A होगा तो मैं कह सकता हूँ कि R is very very greater than D है, तो AP is approximately equal to S2P। ये जो AP है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली S2P के बराबर मिलेगा। तो जो पाथ डिफरेंस है, जो मैं S1P माइनस S2P बोल रहा हूँ, वो पाथ डिफरेंस S1A हो जाएगा। भाई देखो, इसने इतना पाथ ट्रेवल किया, इसने इतना पाथ ट्रेवल किया, S1P ने S2P के बजाय इतना एक्स्ट्रा पाथ डेवलप किया, यही क्या है पाथ डिफरेंस। ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। माना कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, आओ मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ उसको। ये S2, दिस इज S1, यहाँ से एक वेव इधर की तरफ गई, यहाँ से एक वेव इधर की तरफ गई, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ही था, ये एंगल मैंने थीटा लिया ही है, इस डिस्टेंस को मैंने डी माना ही है, सो दिस इज पाथ डिफरेंस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये डी है और अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। ओके, एंड ये जो डी कॉस थीटा है, दिस इज पार्ट डिफरेंस एंड इसकी वैल्यू एन लैम्डा के बराबर आनी चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्मॉल डी की वैल्यू, लैम्डा भी मेरे को गिवन है। स्मॉल डी जो था S1 S2 के बीच का डिस्टेंस वो 2 मीटर दिया हुआ है, एंड लैम्डा मेरे को 0.5 मीटर गिवन है। 0.5 का मतलब हाफ हो गया। सो दिस इज 2 cos theta is equals to n lambda मतलब हाफ। सो cos theta का जो वैल्यू है वो मेरे पास में n/4 आ गया। डन। अच्छा, मैं अब जो सबसे पहले बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ ना, कि मैंने पॉइंट P इस तरफ लिया है, तो इस क्वाड्रेंट में जो मेरा थीटा है वो यहाँ पे 0 डिग्री है एंड यहाँ पर 90 डिग्री है। जो यहाँ से मैंने थीटा लिया है ना, ये वाला थीटा, तो ये वाला जो थीटा है ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ऐसे चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं कि
कॉस थीटा की जो वैल्यू है, अगर 0 से 90 तक की बात की जाए तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो मैं 0 से लेकर 90 तक चेंज करूं तो जो कॉस थीटा है वह 1 और 0 के बीच में होना चाहिए, है ना। ये हमारी एक लिमिट है, कॉस थीटा की एक लिमिट है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट किया और देखा कि क्या मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस रेंज में आ रहा है। तो n की वैल्यू 0 रखने पर 0 अपॉन 4 मतलब 0 आ गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है और ऐसा तब होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को एक मैक्सिमा मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करी मैंने तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 आया, बिल्कुल 1/4 मेरी इस रेंज में है। सो ये भी मैक्सिमा पॉसिबल है। n की वैल्यू 2 पुट करी तो ज़रा देखते हैं कि तीसरा वाला मैक्सिमा मिलता है कि नहीं मिलता है। n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2/4 मतलब हाफ, बिल्कुल ये वाला कॉस थीटा भी पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 3, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये 1 से कम है। n इज इक्वल टू 4, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/4 मतलब 1, ये भी पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4, ना बाबा ना, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो मैंने 0 से लेकर 90 तक का ये जो इलाका बनाया ना, इसके अंदर मेरे को 1, 2, 3, 4 and 5 मैक्सिमम मिल जाएंगे, 5 मैक्सिमम मुझे मिलने वाले हैं। ओके, दैट्स क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर एक मैक्सिमा तो यहाँ मिल गया, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, एक मैक्सिमा तो मुझे यहाँ पर मिल गया और टोटल 5 मिलने हैं। पांचवा यहाँ पे मिल गया ना, 5 थे ना, ओके, एक यहाँ पे मिल गया। तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 5 मैक्सिमाज मेरे को मिल गए इस इलाके में। तो सेम ऐसा ही ऑब्वियसली यहाँ पे भी होने वाला है। तो ये 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9th मिल जाएगा। सेम ऐसा ही 3 यहाँ पे बीच में इधर मिल जाएंगे, 3 यहाँ पर मिल जाएंगे और ये तो कॉमन होंगे ही। तो ये 10, 11, 12 यहाँ पर, ये 13 हो जाएगा, ये 14, ये 15 और ये 16। जैसे यहाँ पे मुझे 3 मिले ना, मुझे हर एक क्वाड्रेंट में ये 3-3 मिलने वाले हैं क्योंकि सेम 0 से लेकर 90 तक की कंडीशंस इधर भी बनेंगी, इधर भी बनेंगी और इस वाले इलाके में भी बनेगी। सो टोटल मैक्सिमा कितने हुए, 60, है ना। इसमें देखो जैसे ये पांचवें नंबर वाला है, पांचवें नंबर वाला मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि देखो ये S1 से जो रे यहाँ पर पहुँचेगी और S2 से जो रे पहुँचेगी, दोनों का पाथ क्या है, बराबर है, पाथ डिफरेंस 0 है, इसलिए यहाँ पर मेरे को ये मिल गया, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है। ओके, फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 की कंडीशन थी तो यहाँ पे लेमडा है, यहाँ पर ऑब्वियसली ये 2 लेमडा होगा, फिर n इज इक्वल टू 3 ये 3 लेमडा होगा और ये 4 लेमडा होगा, है ना। इस तरह से मेरे को 5 ये मिले एंड देन फिर सभी के अंदर मैंने इसे कंपेरिजन करके देखा कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मेरे को कितने मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ईश्वर करे आपने जो भी सपना देखा है आपका पूरा हो और आपकी मेहनत अंजाम तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।